फिल्म रागिनी MMS 2 में भले ही सनी लियोनी के बोल सीन्स की आजकल खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सोर्सेज की माने तो फिल्म के ज्यादातर बोल सीन सनी ने नहीं बल्कि उनकी बॉडी डबल ने शूट किए हैं। दरअसल सनी बॉलीवुड में अपनी इमेज को बदलना चाहती है और यही वजह है कि उन्होंने खुद रागिनी MMS 2 में कोई भी बोल सीन्स करने से इनकार कर दिया। खबरों की माने तो यशराज फिल्म्स ने आमिर खान की एक रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल आमिर ने यशराज फिल्म्स से इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की डिमांड की थी, लेकिन यशराज फिल्म्स ने आमिर की इस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया। सुनने में आया है कि बोनी कपूर चाहते थे कि उनकी अपकमिंग फिल्म जिसमें उनके बेटे अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं उसका नाम देवर हो, लेकिन ये टाइटल यशराज फिल्म्स ने ऑलरेडी हासिल कर रखा था। ऐसे में जब बोनी कपूर ने यशराज फिल्म्स से इस टाइटल को यूज करने की बात कही तो आदित्य चोपड़ा ने बोनी कपूर को ये टाइटल दे दिया। फिल्म शाहिद फेम डायरेक्टर हंसल मेहता एक और बायोग्राफी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस बार अपनी फिल्म के लिए हंसल ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के भाई अजीत तेंदुलकर को चुना है। इस फिल्म में हंसल अजीत तेंदुलकर की लाइफ के हर उस पहलू को दिखाएंगे जो दुनिया से छिपी हुई है। एक्टर प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा का कहना है कि बॉलीवुड में आजकल हर कोई अपनी फिल्म की इन्फ्लेटेड फिगर्स दिखाने में लगा हुआ है ताकि वो खुद को सक्सेसफुल साबित कर पाए, और उदय का कहना है कि यही वजह है कि वो फिल्म की फिगर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शाहरुख खान आजकल मुंबई में एक्सपर्ट्स की निगरानी में अंडरवाटर सीक्वेंस शूटिंग करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। डायरेक्टर फराह खान ने अपनी इस फिल्म की अंडरवाटर सीक्वेंस की शूटिंग के लिए टेक्नीशियंस पेरिस से हायर किए हैं। सुनने में आया है कि फिल्म धूम 3 के प्रमोशंस में सिर्फ आमिर खान को शामिल करने की वजह से अभिषेक बच्चन यशराज फिल्म से काफी नाराज है, और यशराज फिल्म्स को जब अभिषेक की इस नाराजगी का पता चला तो खुद आदित्य चोपड़ा ने अभिषेक को मनाने के लिए उनसे बात की है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गब्बर से श्रद्धा कपूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल श्रद्धा फिलहाल दो फिल्म्स विलन और हैदर की शूटिंग कर रही हैं। ऐसे में गब्बर के लिए श्रद्धा के पास डेट्स नहीं है, यही वजह है कि श्रद्धा को ये फिल्म छोड़नी पड़ी है। खबरों की माने तो रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म गुंडे का ट्रेलर बहुत जल्द दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च करेंगे। यशराज प्रोड्यूस्ड ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 12 फरवरी को रिलीज होगी। सलमान खान के अपने शो में धूम 3 का प्रमोशन करने से आमिर काफी खुश हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने सलमान को सिर्फ किसी इवेंट पर धूम 3 ट्रेडमार्क कैप पहनने के लिए कहा था, लेकिन सलमान ने खुद से ही अपने शो में इस कैप को पहनने का फैसला किया जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।